तांत्रिक ऐसे मिल जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं, आपको बोलेगा अरे बेटा तेरे को भूत है। अच्छा, खाना में कंकड़ मिलेंगे, आप खाना खाएंगे, आपको खाना में आए दिन आपको बाल मिलेंगे। अगर कोई नंबर बोले तो मैं नंबर दे दूंगा कि किसको 100% देना है, किसको 50%। अच्छा महाराज, जैसे मतलब किसी पे भूत प्रेत वगैरह की जैसे परेशानी होती है, ठीक है, तो उसे कैसे मतलब शो ऑफ करेंगे, मतलब कैसे बताएं कि भाई इस पे भूत प्रेत है? यस, कहीं इसका, भी जाता किसी के सर में दर्द है, मैं बताता हूं, किसी के पास बोले भूत है। अभी देखिए बहुत सारे जगह पे आप जाएंगे, बहुत तांत्रिक ऐसे मिल जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं, आपको बोलेगा अरे बेटा तेरे को भूत है पैसा लेने का, ऐसा नहीं। अगर आप पे भूत है, अगर है, ठीक है, मैं तो भूत नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं भूत नहीं मानता, मैं स्प्रिट को मानता हूँ। अगर कोई बैड स्प्रिट आपके पास है तो आपको कैसे पता चलेगा? तो दो चार चीज आपको समझ में आएगा। आप जब उस घर पे रहेंगे ना, तो आप देखेंगे वहाँ पे जिनको ऊपर है या उस घर में, जब आप खाना खाएंगे, आपको खाना में आए दिन आपको बाल मिलेंगे, खाना में कंकड़ मिलेंगे, आए दिन। एक दिन मिला तो ये अनफॉर्चुनेट हुआ, लेकिन आए दिन आपको मिलेंगे, तो आपको समझना होगा समथिंग रॉन्ग, ठीक है। या आप अपने घर में जब संजा टाइम में संजा दे रहे हो, धूप बत्ती दे रहे हो, तो जब आप माचिस जला रहे हो तो वो बुझ जाता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा जल के बंद हो जाता है। तो आपको ये समझना है कि कोई बैड एलिमेंट्स है जो आपको ये काम करने नहीं दे रहा है, तब आपको किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए। ये नहीं कि तांत्रिक आपको बोला भूत है और आप उसको मान लिए, ऐसा नहीं। अच्छा एक चीज और, जैसे मतलब जैसे तांत्रिक जो होते हैं उनसे ज्यादातर लोग डरते हैं। हाँ, ये भी एक बात है, डरने का मतलब बहुत बड़ा रीजन है ये, मतलब पता नहीं क्यों है बट है, ये लोग डरते हैं। डरते हैं, इसका कारण एक ही है, बस तंत्र विद्या गलत नहीं है, तांत्रिक लोग गलत है, ठीक है। तो हमारा ये जो विद्या है ना, ये गलत कभी नहीं हो सकता है। ये तांत्रिक लोग गलत है, और ये गलत कुछ ऐसा करते हैं इसलिए लोगों ने डरते हैं, ठीक है। कोई भी आदमी, अगर मैं दायित्व लेके बोल रहा हूँ, गुरुजी श्री विनय महाराज हमारे पास जो भी जुड़े हैं आज से नहीं 20-20 साल 30-30 साल से, वो तो डरते तो है ही नहीं, मेरे साथ हंसी मजाक भी करते, वो बोलते हैं कि गुरुजी आपके पास आने से मुझे एक अलग वाइब्रेशन आता है। तो ये हमारा वो कैरेक्टर होना चाहिए। आप देखिएगा कि पुलिस को देख के हम डरते हैं, पुलिस को क्यों देख के डरेंगे हम? वो तो हमारे सुरक्षा के लिए है, तो हम क्यों डरते हैं? तो पुलिस वाला हमको डरा के रखता है, तो क्या हर पुलिस वाला डरा के रखता है? नहीं रखता है। तो वो सारा कुछ जो है ना हम लोग क्रिएट करते हैं। तो ये आपको समझना है कि तंत्र है, था, रहेगा। अब क्या है कि अगर सही गुरु है तो सही शिष्य को निर्धारण करेगा, उसी को अपना वो चीज देगा, अदरवाइज वो करेगा ही नहीं। एक तरह से कहा जाए तो जैसे एक सच्चे और अच्छे साधक के पास जाए बस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अभी आपको ये क्वेश्चन आएगा कि सच्चा और अच्छा साधक मिलेगी? हाँ, मिलेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी बात ये है कि ठीक है, साधारण आदमी को कैसे पता चलेगा? तो मैं एक बात बोलूंगा कि हम लोग जो है ना ये हमेशा भावुक हो जाते हैं, तो हमें भावुक नहीं होना है। हर इंसान में ईश्वर का वास है, आप ये सोच लो, हर में है, आप में है, हमारे में, आप मेरे से कम नहीं हो, आपको मेरे से बहुत ज्यादा शक्ति है, आप उसको जागृत नहीं किया, हमने उसको जागृत किया। अभी आप किस में जागृत किए हो? आप देखो, आप मीडिया वाले हो तो इसका आपको पूरा एक्सपेरिमेंट है, कहां से क्या करेंगे, कैसे क्या होगा। तो जो कि आप इसके लिए बने हो तो आप ये कर रहे हो, मैं इसके लिए बन रहा हूं तो मैं ये कर रहा हूं। तो इसमें आप खुद देखिएगा, जैसे आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, बहुत सारे मीडिया वाले भी मेरे साथ बात करेंगे, तो मैं उसका बात से थोड़ा सा अपना सिक्स सेंस भी काम करना पड़ता है, तो मुझे लगेगा नहीं पहले वाला जो मेरे साथ बात किया, क्वेश्चन किया, वो कैसा किया और ये कैसा किया, तो क्या सही में इसके पास कोई ज्ञान है या उसके पास है? मुझे अभी समझ में आ गया फर्क। आप लोग दो जन मुझे क्वेश्चन किए, डिफरेंट क्वेश्चन किए, तो अलग अलग मुझे ये भाव आया, तो मुझे ये लगा कि मैं तो अगर कोई नंबर बोले तो मैं नंबर दे दूंगा कि किसको 100% देना है, किसको 50%। लेकिन अभी मैं अगर बता दूंगा तो चाहे आपको गलत लगेगा, चाहे पहले वाले को गलत लगेगा, इसलिए ये बताना नहीं है। मैं एक ही बात बोलूंगा, ये चीज आस्था का है, आस्था बनाए रखिए और अपने ईश्वर के पास, ईश्वर से आप प्रार्थना कीजिए कि मुझे मार्ग दिखाए, ईश्वर खुद ही आपको सही मार्ग दिखाएंगे, सही गुरु के पास भेज देंगे।
ठीक है महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा महाराज आपसे। जय जय तारा, जय जय। तो ऐसी वीडियो में लाता रहूंगा महाराज जी की जैसी बातें हैं। क्या आपको अच्छी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा महाराज जी की वीडियो शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।